नमस्कार दोस्तों, मैं आपका मित्र सर्व मित्र और मसला ये है कि हरियाणा में पंचायती चुनाव कब होंगे, आप लोग इंतज़ार कर रहे हैं। बहुत सारे फ़ोन हमें आते हैं कि पंचायती चुनाव कब होंगे, क्योंकि गांवों में क्रेज़ होता है, नई पंचायत चुनी जाएगी, जिन लोगों ने चुनाव लड़ना है वो इंतज़ार में है कि कब चुनाव होंगे। लेकिन आज जो मुख्यमंत्री हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर साहब ने बोला है कि अभी वातावरण ठीक नहीं है, वातावरण ठीक हो जाए तो फिर हरियाणा में पंचायती चुनाव होगा। अब कौन सा वातावरण ठीक नहीं है, अब ये मुख्यमंत्री साहब की बात हम सुन लेते हैं और फिर इस पर हम चर्चा करते हैं। देखिए, पंचायत के इलेक्शन के लिए समय तो पूरा हो गया 23 फरवरी को और होने चाहिए, लेकिन जैसा एक वातावरण है बना हुआ उसमें पंचायती चुनाव में हम सोचते हैं कि वातावरण थोड़ा ठीक हो जाए तो तुरंत करने के लिए तैयार है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वातावरण ठीक रहे तभी डेमोक्रेटिक प्रोसेस को ठीक से अपनाया जा सकता है। अगर ऐसे दबाव के विषय चलते रहेंगे तो फिर वो लोकतांत्रिक मूल्यों का हनन होता है, तो लोकतांत्रिक मूल्यों का हनन ना हो ऐसा वातावरण बनते हम जल्दी करा देंगे। जी, वातावरण ये जो माहौल किसान आंदोलन से जो गांव में ये थोड़ा बहुत था पहले कोविड का, लेकिन कोविड अब ऐसी विषय नहीं है कि जिसके कारण चुनाव नहीं हो सकते। देश भर चुनाव हो रहे हैं तो यहाँ भी हो सकते हैं। किसान आंदोलन चलेगा या माहौल ठीक नहीं होगा जब तक पंचायत चुनाव नहीं होंगे? देखिए, एकदम ये हार्ड एंड फास्ट चीजें नहीं है, लेकिन हमारी अपील है कि जल्दी ये वातावरण ठीक हो तो हम चुनाव करा दें। तो सुना आपने मुख्यमंत्री साहब को, मुख्यमंत्री साहब के मुताबिक वातावरण ठीक किसान आंदोलन की वजह से नहीं है, इसलिए जब वातावरण ठीक हो जाएगा तो चुनाव होंगे। अब कुछ समय पहले ही आपको पता होगा कि कुछ शहरों में नगर निगम के चुनाव हुए थे हरियाणा के, आपको पता है ना, कालका में हुए थे, अंबाला में, सोनीपत में और भी कई शहरों में इक्का दुक्का सीट पर हुए थे। मतलब उस हिसाब से तो वातावरण उस समय भी सही नहीं था, क्योंकि उस समय भी किसान आंदोलन चल रहा था। तो अब ये क्यों कहा जा रहा है कि वातावरण ठीक नहीं है, ठीक हो जाएगा तो फिर पंचायती चुनाव होंगे? कहीं ऐसा तो नहीं कि पंजाब के जो इलेक्शन अभी हुआ था कुछ समय पहले, वहाँ जो नतीजे आए हैं उससे डर लग रहा है? क्योंकि पंजाब के जो चुनाव हुए थे नगर निगम के, आपको पता होगा कि वहाँ बीजेपी को बहुत कम सीटें मिली थी और बहुत सारे शहरों में तो बीजेपी का खाता भी नहीं खुला था। कहीं ऐसा तो नहीं, और लोग भी चर्चा कर रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि उस वजह से जो चुनाव हैं हरियाणा में वो डिले हो रहे हैं? अदरवाइज क्या है कि समय पूरा हो गया है, जैसा मुख्यमंत्री साहब भी बोल रहे हैं कि 23 फरवरी को पंचायतों का जो समय होता है वो पूरा हो गया है और उनसे चार्ज भी वापस ले लिया है। आपको पता है, अब प्रशासन के पास वो चार्ज आ गया है, ठीक है, जो उनके आंकड़े हैं, जो भी ब्यौरा है वापस ले लिया है। तो अब चुनाव कब होंगे, हरियाणा के लोग इंतजार कर रहे हैं, लेकिन जैसा मुख्यमंत्री साहब बोल रहे हैं कि वातावरण अभी ठीक नहीं है, यानी किसान आंदोलन जो है वो चल रहा है, तो वातावरण जैसे ही ठीक हो जाए फिर पंचायती चुनाव होंगे। अब मुख्यमंत्री के हिसाब से ये वातावरण कब ठीक होगा, किसान आंदोलन अगर लंबा चलेगा, जैसा कि किसान नेता बोलते हैं कि ये किसान आंदोलन लंबा चलेगा उसके लिए तैयार रहें, तो किसान आंदोलन अगर लंबा चलेगा तो क्या हरियाणा में पंचायती चुनाव नहीं होंगे? ठीक है, ये देखना अभी बाकी है कि कितना लंबा किसान आंदोलन चलता है, क्या तब तक हरियाणा में वातावरण ठीक नहीं होगा और पंचायती चुनाव नहीं होंगे। खैर, देखते हैं आगे आगे होता है क्या। अभी बजट सेशन भी आने वाला है, हो सकता है उसमें भी कोई बात उठे पंचायती चुनाव को लेकर। हालांकि मुख्यमंत्री साहब कहते हैं कि होने तो चाहिए कि टर्म खत्म हो गई है, लेकिन वातावरण ठीक नहीं है। अब मुख्यमंत्री साहब के इस बयान पर और आपको क्या लगता है कि पंचायती चुनाव अभी और डिले हो जाएंगे, पता नहीं कब तक, आपका क्या कुछ कहना है आप कमेंट करके जरूर बताइएगा आपको क्या लगता है। और वहीं आपने इस वीडियो को शेयर करना है ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि सभी हरियाणा के लोगों तक ये वीडियो पहुंच जानी चाहिए। और अगर आप चाहते हैं
कि सही अपडेट आप तक पहुंचे, कोई भी बड़ा मसला हो तो फिर इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब फॉलो जरूर कर लीजिएगा, ताकि जो हमारी अगली वीडियो है वो आप तक उसी समय पहुंच जाए। धन्यवाद, नमस्कार। जीवन की राहों में अगर करना चाहो उजियाला, जीवन की राहों में अगर करना चाहो उजियाला, अपना लो रे गुरुकुल का रास्ता निराला, गुरुकुल का रास्ता निराला, गुरुकुल तक्षशिला, गुरुकुल तक्षशिला, गुरुकुल तक्षशिला, गुरुकुल तक्षशिला। खुशहाली, संस्कारों से परिपूर्ण हो जिंदगी। करनाल हाईवे, अहमदपुर रसीना, कैथल, हरियाणा।